हम आगे बढ़ेंगे और अब अगले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अब है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्ती की, मनी एजु स्कूल के फाउंडर अर्नब पंडे, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और आपके साथ हम सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट के प्रति इक्विटी निवेशकों का जो रुझान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिलहाल जो हम बढ़ती हुई ब्याज दरों का सिलसिला देख रहे हैं, धीरे धीरे बैंकों ने जो है कर्ज के रेट तो बढ़ाए हैं, डिपॉजिट की दरें भी बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ इक्विटी निवेशक बल्कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लोगों में फिक्स डिपॉजिट को लेकर रुझान थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अर्नब जी, ये बात कितनी सच है और इसके पीछे आपको क्या अहम वजह लगती है? देखिए, हम अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के आंकड़े देखें तो ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ की जो रफ्तार है वो जो लोन्स की ग्रोथ रेट है उससे कम है, यानी कि डिपॉजिट्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो है। और इसका मेरे हिसाब से एक मुख्य कारण यही है कि इवन दो आरबीआई ने दरें बढ़ा दी है 3-4 बार, उसके बाद बैंक्स ने धीरे धीरे इसे पास करना शुरू कर दिया है अपने डिपॉजिट रेट में, लेकिन आज की तारीख में भी जो रेट्स आपको मिल रहे हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि एक बड़ी संख्या में लोग इसकी तरफ आए और यहाँ पर डिपॉजिट रखे। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में जब आप अपने डेट पोर्टफोलियो या डेट एक्सपोजर के बारे में बात करते हो तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये एक बढ़ते ब्याज दर का सिनेरियो है, तो यहाँ से रेट्स और भी बढ़ने वाले है, तो इसीलिए आज की तारीख में कमिटमेंट टू लॉक इन कम है निवेशकों का। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतना उत्साह आज की तारीख में नहीं है। अब धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक बैंक्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अच्छी ब्याज दर की ऑफर धीरे धीरे करके ला रही है, लेकिन क्योंकि निवेशक ये एहसास कर रहा है कि आगे जाते हुए उसे और ज्यादा रेट्स मिलेंगी, इसीलिए वो आज की तारीख में मेरे हिसाब से कमिट नहीं कर रहा है बड़ी रकम इस प्रकार के निवेश। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमंत जी हम निवेशकों को स्मार्ट होता हुआ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं जो कि अब डिपॉजिट्स को लेकर बैंकों ने निकालनी शुरू कर दी है, जिसमें एसबीआई ने हम देख सकते हैं 6.1% सालाना रिटर्न की 75 दिन डिपॉजिट स्कीम जो है निकाली है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ने भी एसबीआई जैसी स्कीम से निकाली है। तो देखिए, पीएसयू बैंक यहाँ पर कहीं पीछे नहीं जा हटते हुए दिखाई दे रहे हैं हेमंत जी, लेकिन उसके बावजूद भी निवेशकों में कमिटमेंट को लेकर जो है ये एक नई चीज है जो हमें फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग फिक्स डिपॉजिट और उसके बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न जो हाथ में आता है उसको लेकर अब थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव आ रहा है या अनिश्चितता का माहौल इतना ज्यादा गहरा है कि कमिटमेंट नहीं करना चाहता कोई? नहीं कविता, आई थिंक दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बढ़ती ब्याज दरें हैं उनसे वो ज्यादा डिपॉजिट जो है मोबिलाइज कर सके। बट आई थिंक दो तरह के इन्वेस्टर हैं। देखिए कविता, अगर हम इक्विटी की बात करें, एक तो वो जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं जो सोच रहे हैं काफी समय से कि इक्विटी मार्केट में जाएं कि नहीं जाएं, और एक दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में हैं और इवन दो अनसर्टेनिटी होती है तो उनके लिए वापस मूव करना एफडी में मुझे लगता नहीं कि उनको लगता है कि वो एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। और ये भी बात सही है कि अभी और भी आगे जाके ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है, तो ऑब्वियसली अगर जिनको जाना भी है तो वो थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है इक्विटी में वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा डर होता था उनके दिमाग में इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, कि ये जो वोलेटिलिटी का डर है, उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो जो एवरेजिंग का फायदा होता है उससे उन्होंने देखा है कि काफी अच्छे रिटर्न। और इस बार जब मार्केट में करेक्शन आया तो हमने देखा कि SIP के नंबर्स कम नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि इन्वेस्टर्स को घबराहट हुई। और जो दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी में काफी समय से बैठे हैं, उनको पता है कि लॉन्ग रन में उन्होंने 12-15% का रिटर्न ऑफकोर्स लिया है, ये गारंटी नहीं हो सकती फ्यूचर की, लेकिन उनको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक ये जो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम देखें भी अगर म्यूचुअल फंड के मुकाबले में, तो फिर हमें या तो शॉर्ट टर्म के जो गोल्स हैं उसमें देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि जब FD रेट्स अच्छे हो जाएंगे और जब शॉर्ट टर्म का पैसा आप मान लीजिए कभी डेट फंड में डालते हैं
तो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि डेट फंड जो है आफ्टर ऑल मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, उसमें वॉलिटिलिटी होती है, अगर आप सही तरीके का फंड ना चूज करें और अगर या आपकी जो प्रेडिक्शन है इंटरेस्ट रेट की वो अगर सही नहीं होती है तो वहां पे थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये बात है कि वहां पे जो पैसा है वो एफडी में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का पैसा जो है वो हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम पिछले 10 साल में भी देखें कविता, हमने देखा है अगर हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखें एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर में 10-11 साल का आप रिटर्न देखें, तो सिर्फ एक ही साल ऐसा है जहां पर इक्विटी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इन्वेस्टर्स ने आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपीरियंस किया है और उनको पता है कि लॉन्ग रन में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो उनको ये समझ में आ गया कि पोस्ट टैक्स रिटर्न इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस रिटर्न इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हाथ में कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा उनको ये समझ में आया कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन जो है वो कैपिटल सेफ्टी से बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते तो आपके पैसे की वैल्यू जो है साल दर साल पे गिरती जाएगी। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैच्योरिटी है, अवेयरनेस है, एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि जो सेट ऑफ इन्वेस्टर जो कोशिश कर रहे थे इक्विटी में आने के लिए, उनके लिए शायद थोड़ी सी दुविधा हो सकती है अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़े, बट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो मुझे लगता नहीं स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में या एफडी में लेके हैं। तो ऐसे में अर्णव जी, अगर हम ये मान के चलें कि चलिए आने वाले वक्त में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा फिक्स डिपॉजिट पे, रुक लेना चाहिए, तो ये ज्यादा भी कितना ज्यादा होगा, क्या इस पर कोई नंबर है या कितनी बढ़ने की गुंजाइश आपको लगता है होगी? देखिए, इसका जो रिलेशन है वो क्लियरली ओवरऑल रेट्स के साथ आपको इकोनॉमी में करना चाहिए। उसे आप दो तरह से देख सकते हैं। एक ये है कि आरबीआई कितनी बार और कहां तक रेट्स बढ़ाता है, वो एक आपको अंदेशा देगा कि जो बैंक्स की फिक्स्ड डिपॉजिट है उसकी रेट्स कितनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आपको ये एक अंदाज लगाना है तो आप जो सेकेंडरी मार्केट का यील्ड है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले जो अंदेशा मार्केट में आता है सेकेंडरी मार्केट में, तो वो आपको बहुत क्लियरली एक अंदेशा दे देगा कि कहां तक ओवरऑल इकोनॉमी में रेट्स बढ़ने वाले। तो ये दो फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से और भी आपको शायद 50-75 basis points की फिक्स डिपॉजिट में रेट्स आगे बढ़ने के चांसेस है, लेकिन उसे शायद समय लग सकता है। तो ये कितना समय लगेगा, कब ये होगा, बैंक्स कब पास ऑन करेगी, ये सब एक अनिश्चित है। तो इसीलिए जो भी निवेशक आज की तारीख में अपना डेट एक्सपोजर में कोई निवेश करना चाहता है तो उनके लिए भी काफी सारे विकल्प खुले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो निवेशक डेट में निवेश करना चाहता है वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, दूसरे बॉन्ड्स है, वहां पर भी ब्याज की दरें बढ़ रही है। तो अगर वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा, तो ये जो डेट का मनी है वो वहां भी जाएगा। तो इसीलिए हमें ये पूरी तरह से हर एक डेट ऑप्शन के पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है एक निवेशक को। बिल्कुल, वही अपॉर्चुनिटी और वो ऑप्शन समझना है हेमंत जी। तो मौजूदा समय में किसी के पास लमसम पैसे पड़े हो तो कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए कविता, आई थिंक मेरा हमेशा ये मानना है कि कहाँ पे आपको डिसाइड करना इन्वेस्ट करना चाहिए वो डिसीजन होगा बेस्ड ऑन आपकी अपनी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे, आपके अपने टाइम होराइजन पे। क्लियरली जब हम एफडी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि हम लॉन्गर टर्म कमिटमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास हाइब्रिड ऑप्शन भी है, अगर आप नहीं चाहते कि पूरा पैसा इक्विटी में, पूरा पैसा डेट में जाए, तो काफी सारी जो ऑप्शंस हैं जैसे इक्विटी सेविंग फंड्स हो गया, बैलेंस एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अगर आप पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते तो मुझे लगता है काफी सारी ऑप्शन है। और यही सबसे बड़ा फायदा है जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल कितना कैसा भी हो, आपका टाइम होराइजन कैसा भी हो, हर तरह के आपके पास ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के इतने सारे तरीके हैं, जितना प्रोपोर्शन आप डालना चाहें उसी हिसाब से आपको फंड मिलता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेडिशनल ऑप्शन से अगर ज्यादा आगे थोड़ा आगे बढ़ के देखें और पोस्ट टैक्स रिटर्न पे अगर ध्यान दें या पोटेंशियल को अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो काफी सारे ऑप्शन हैं मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की तरफ से, जहां पे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करें तो जो लॉन्ग टर्म में इस तरह का हेल्दी रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो वहां से मिल सकता है। चलिए,
तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से फिक्स डिपॉजिट को लेकर लोगों की, निवेशकों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, लेकिन देखिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं सरकारी बैंकों की तरफ से, अलग अलग ब्याज दरें और ऊंची ब्याज दरों की स्कीम्स खासतौर से फिक्स डिपॉजिट को लेकर लॉन्च की जा रही है। शो को आगे बढ़ाएंगे। अगला मुद्दा सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है जिसका चरण खुला हुआ है। आप 26 अगस्त तक इसमें निवेश अब कर पाएंगे और 30 अगस्त को ये बॉन्ड जारी होगा। 5,197 रुपये प्रति ग्राम का भाव रखा गया है। ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये जो कीमत है आपको 5,147 पड़ेगी। और यहाँ पर तमाम जून के भाव से हमने देखा कि गोल्ड बॉन्ड का भाव इस बार 106 रुपये प्रति ग्राम ज्यादा भी है। अर्णव जी, मौजूदा हालात में, वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से हमेशा हम कहते हैं कि आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होना चाहिए, तमाम विकल्प जो है सोने में निवेश करने के उनमें से सबसे बेहतर और उम्दा विकल्प ये है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सवाल यहाँ पर यही होता है कि जब भी चरण आता है तो हर कोई यही देखता है कि पिछले चरण थोड़ा सा महंगा हो गया है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सवाल यहाँ पर यही होता है कि जब भी चरण आता है तो हर कोई यही देखता है कि पिछले चरण थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो मौजूदा समय में चरण जो आते हैं क्या उनमें निवेश करना चाहिए या पिछले वाले जो हैं उनमें निवेश करना चाहिए, और अगर पिछले वालों में करना चाहिए तो क्या वो सस्ता पड़ता है? जब भी कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक नया इश्यू आता है तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो उस समय के गोल्ड के भाव के मुताबिक होती है। तो इसीलिए, क्योंकि आज की तारीख में गोल्ड के भाव थोड़े, लास्ट टाइम जब इश्यू आया था तब से थोड़े ज्यादा है, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा इसका इश्यू प्राइस दिख रहा है। लेकिन कौन सा इश्यू प्राइस था या उससे इन इफेक्ट जो पिछला इश्यू था उसका आप पर कोई इम्पैक्ट नहीं गिरता, क्योंकि देखिए अगर आपने पिछले इश्यू में निवेश किया था तो फिर वो इश्यू प्राइस आपके लिए लागू पड़ता। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ये पिछला इश्यू सेकेंडरी मार्केट में लेने जाएंगे तो उसकी प्राइसिंग भी आज के भाव के मुताबिक। तो आज की तारीख में अगर आपको निवेश करना है, आपके पास दो विकल्प है, या तो एक नए इश्यू में जाए या सेकेंडरी मार्केट से ले। लेकिन नए इश्यू में बेनिफिट ये है कि आप डिजिटली करते हैं तो उसमें भी आपको एक 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, और फिर उसे आप एंड तक, मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो उसका कैपिटल गेन्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास विकल्प खुला है इन टर्म्स ऑफ एक नया इश्यू, तो आपको ये देखना चाहिए कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास क्या मुझे कोई रिटर्न देता है। और इसमें मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि भारत में गोल्ड का जो भाव है उसके इंपैक्ट का दो कारण होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट और दूसरा होता है जो करेंसी फ्लक्चुएशंस होता है। तो वो क्योंकि भारतीय रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे आपके गोल्ड के निवेश में एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि पिछले 10 साल में अगर आपने इंटरनेशनल गोल्ड के भाव देखे हैं तो उसमें CAGR 0.1% का ग्रोथ। लेकिन अगर उसी समय में आपने इंडियन गोल्ड प्राइसेस देखे हैं तो वो नियरली 4.5% का CAGR दे रहा है। इसी तरह से अगर आप 5 साल का फिगर देखें तो इंडियन प्राइसेस में ओवर 11% का CAGR आपको मिल रहा है, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस में उसका आधा है, जस्ट 6.3%। तो ये डिफरेंस सिर्फ इसीलिए है कि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो रही है और इसका फायदा आपके गोल्ड प्राइसेस में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का एक्सपोजर थ्रू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड के प्रोस्पेक्ट्स में आपको रिटर्न भी मिलेगा। हेमंत जी, जब भी लोग सोने में निवेश करते हैं तो एक सेफ हैवन जैसी अपील की डिमांड तो रहती ही रहती है। मौजूदा समय में जिस तरह की अनिश्चितताओं से हम गुजर रहे हैं, सोने की कीमतें अगर बढ़ी भी हैं तो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी। अब पूरे समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में सोना आप खरीदें, करंट वैल्यू पर कितना समझदारी का डिसीजन हो सकता है? देखिए, हमेशा आई थिंक गोल्ड को अगर आप देखते हैं तो फिर एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या कुछ ऐसा भी पर्पज हो सकता है कि आप किसी कारण से गोल्ड को आप अगर अक्यूमुलेट करना चाहते हो। अगर जब तक आपके पास ये क्लैरिटी है कि आप किस कारण से गोल्ड ले रहे हो, तो फिर मेरा भी ये मानना है कि आई थिंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। एक तो आपको फिजिकल गोल्ड के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं मिलते हैं,
और यहाँ पे जैसे हमने बात की कि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो 50 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। जहां तक अनिश्चितताओं का सवाल है, हमने पहले भी देखा था कि अभी भी इस बार हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आए, हालांकि पिछले इशू के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो प्राइसेस हैं जो नीचे आए, जिस तरीके से हमें जब ग्लोबल क्राइसिस थे 2008 में तब भी देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड हमेशा आपको ऐसी अनिश्चितताओं से प्रोटेक्ट करता है, वॉलेटिलिटी वहां पे भी आती है, बट आई थिंक गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्लैरिटी हो कि वाकई में गोल्ड की आपके एसेट एलोकेशन में जगह है कि नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि थंब रूल है कि आपको 10 या 15% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो उसके लिए ले आप। अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, अगर आप कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इक्विटी लॉन्ग रन में एक बेहतर ऑप्शन है। बट अगर आप क्लियर हैं कि आप गोल्ड अक्यूमुलेट करना चाहते हैं किसी पर्पज के लिए, तो फिर ये सॉवरन गोल्ड बॉन्ड जो है वो बहुत ही ऑप्शन है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो हमने डिस्कस किया, आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, हालांकि वो टैक्सेबल है, और अगर आप 8 साल तक रखते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन भी नहीं देना। तो मुझे लगता है हर तरह से जितने भी ऑप्शंस हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है बेस्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए, तो ये कंप्लीट डिटेल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, और इसी नोट पे हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार तमाम दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जी हाँ, आप अपने सवाल हमें इस नंबर तक पहुँचा सकते हैं, और सवाल इस नंबर पर आने के बाद हम हमारे शो पर लेंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद। बैक, आप देख रहे हैं टी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, हमारे मेहमान अर्णव पंड्या, हेमंत उस्तुगी हमारे साथ बने हुए हैं। शो को आगे बढ़ाएंगे, जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, और पहले दर्शक विवेक भी हैं मेरे साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने पोर्टफोलियो में 11 फंड रखे हुए हैं। विवेक, गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, अच्छा हूँ मैम, पुणे से बोल रहा हूँ मैं। 1 साल पहले ये पोर्टफोलियो बनाया, और इतने सारे फंड्स क्यों रख लिए पोर्टफोलियो में? मैम डाइवर्सिफाई किया मैंने, एएमसी पे भी और फंड हाउस पे भी डाइवर्सिफाई किया था, अच्छा, और सारे सिमिलर तरह कैटेगरीज के भी कवर फंड्स भी किए। डाल दी डाइवर्सिफिकेशन में, है ना, कुछ जी जी कैटेगरीज हैं राइट जो मैम, रिपीट भी हो रही हैं। जी राइट मैम, खुद संभालते हैं पोर्टफोलियो को, खुद मैनेज करता मैम मैं। कैसे करते हो, 11 फंड्स हैं? नहीं एक्चुअली मैम, मैं वो रेशियोस चेक करता हूँ, आपका शो फॉलो करता हूँ, और अच्छा, डेली 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ मैम। मैं आईटी में हूँ, 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। वाह, पढ़ाई करते हो, शो को फॉलो करते हो, ये दो बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन शो देखते हो, तो शो में हमेशा हम कहते हैं कि जितने कम फंड हो उतना बेहतर है, डाइवर्सिफिकेशन देखिए बहुत जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 11 फंड ना थोड़ा सा आपके लिए असहूलियत भी हो सकती है। खैर, आप अच्छी बात यह है कि आपने लक्ष्यों को बिल्कुल क्लियरली तय किया हुआ है, मुझे बस ये समझना है कि जो लक्ष्यों को तय किया है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है यहाँ पर? मैम मैंने दो रखा है गोल्स, एक्चुअली हाँ। थ्री होने चाहिए, पर मैंने दो ही गोल्स रखा है। पहला गोल बच्चे के एजुकेशन के लिए 2033 में 50 लाख मैंने रखा है मैम। तो मैंने 50 लाख ऐसा एस्टिमेट किया कि मैम अगर कुछ कम पड़ा तो हम एजुकेशन लोन दे देंगे बच्चे को। सही बात है जी। और मैंने रिटायरमेंट के लिए गोल प्रिपेयर किया है 2047 के लिए 10 करोड़ का। मैंने बच्चे की मैरिज के लिए कोई गोल नहीं बनाया मैम, एक्चुअली लोग बनाते हैं, पर मैं हमारा व्यू है कि मैम मैं बच्चे को उस लायक बना दूंगी कि अपना मैरिज वो खुद कर सके। परफेक्ट, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे माता पिता ऐसा सोचते हैं, फर्ज है पढ़ाइए लिखाइए, बाकी बच्चा अपनी जिंदगी के लिए जो करना होगा वो तो कर ही लेगा, है ना। जी राइट मैम, तो जी। बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छे से प्लानिंग की है, अब कहाँ सुधार की जरूरत है वो तो हेमंत जी बताएंगे। हेमंत जी जी कविता, आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने गोल्स को पूरा डिफाइन किया, टाइम होराइजन बहुत क्लियर है, और स्पेशली अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूं तो क्लियरली एविडेंट है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को एज ऑफ नाउ एटलीस्ट कंसिडर किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो कमिटमेंट है, इन्होंने कहा कि वो हर साल 10% से अपनी SIP को बढ़ाएंगे, मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हर इन्वेस्टर्स को एक्चुअली इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट से, और उसके बाद जो हमारी सैलरी जो बढ़ती है या इनकम जो बढ़ती है, हम जो भी किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, हम उसके साथ अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते नहीं है। तो आई थिंक ये जो कमिटमेंट है इनकी कि वो हर साल 10% से एटलीस्ट शुरुआत करेंगे बढ़ाने की, मुझे लगता है आगे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो कोशिश करनी चाहिए कि और भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। तो आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का सवाल है, जिस तरह से होना चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से है,
और क्योंकि लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी जैसी एसेट क्लास में होनी चाहिए, और वहां पे उन्होंने इक्विटी को चुना भी है। तो आई थिंक ये सब बिल्कुल सही है। तो पहले इनको गोल इनके गोल्स को देख लेते हैं हम। इनके गोल्स को कंसिडर करते हुए कि 10% वो हर साल अपनी SIP बढ़ाएंगे, तो जो बच्चे की एजुकेशन के लिए उनको 15,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, और अपनी खुद की रिटायरमेंट का जो इनका गोल है उसके लिए 32,000 करनी है, तो टोटल 47,000 की इन्वेस्टमेंट इनको करनी होगी। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 32,000 की है, तो 15,000 से इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। जितना जल्दी कोशिश करके इसको बढ़ाएंगे उतना ही लंबा समय इनको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मिलेगा। अब मैं आता हूं इनके फंड्स के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा कविता, नंबर ऑफ फंड ज्यादा है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जैसे आपने कहा भी कि रेपिटेशन है। देखिए स्मॉल कैप के 3 फंड्स हैं। अब हम सभी जानते हैं कि स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है, और उसमें काफी सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, अंडर रिसर्च हो सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप 2 घंटे स्टडी करते हैं विवेक, और थोड़ी मेहनत करते हैं, पर 3 फंड के पोर्टफोलियो को अगर आप पूरा फॉलो करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,000 रुपये है 32,000 से, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन कोई इशू नहीं है। आपके पास 2 मिड कैप फंड है, एलोकेशन के हिसाब से कोई इशू नहीं है, पर कोशिश कीजिए कुछ फंड जहाँ पे ओवरलैपिंग हो उसको थोड़ा कम कीजिए। एक आपके पास सेक्टर फंड है, जनरली हम रिकमेंड नहीं करते सेक्टर फंड, स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो मॉनिटर नहीं कर पाए। अच्छी बात है कि आप मॉनिटर करते हैं। दूसरी बात, आप टेक फील्ड से हैं, तो आई एम श्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में ठीक होगी। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इसको आप कंसोलिडेट कर सकें तो बेहतर होगा। एक पॉइंट इन्होंने और कहा, उसको भी मैं टच करना चाहूंगा कविता। इन्होंने कहा है कि वो आई थिंक हर साल जो है गेन को चाहेंगे बुक करना 1 लाख रुपए का। मुझे लगता है इसके बारे में आप सोचिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आप पैसा निकालेंगे कैपिटल गेन बुक करने के लिए, 1 लाख का फायदा उठाने के लिए कि आपको टैक्स फ्री मिलता है, तो आपको कहीं ज्यादा अमाउंट आपको रिडीम करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मार्केट का रिस्क लेंगे री इन्वेस्ट करने के टाइम। पर अगर मान लीजिए उस समय पे मार्केट अगर 2% या 3% ऊपर चला गया, तो जो भी थोड़ा बहुत आपको गेन उस समय पे होना था वो भी आपको नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना ही आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस चीजों को मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग ए गुड पोर्टफोलियो। फोकस कीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें और अच्छे फंड अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। विवेक, कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? नहीं मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्प। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ेंगे और रविंद्र पांडे साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, नमस्कार। धन्यवाद आपका सवाल हमें भेजा। जी सर पूछिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है रविंद्र जी? आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं सर। शायद यहाँ पे तकनीकी दिक्कत है और आवाज नहीं आ रही, हम इन्हें कॉल करने की फिर से कोशिश करेंगे। अर्णब जी, रविंद्र जी रिटायर्ड हैं और फिलहाल इनके पास कुछ फंड्स हैं जिसमें से ये पैसे निकालना चाहते हैं, और कुछ फंड्स जो कि मैं नाम बता दूं, HDFC का बैलेंस एडवांटेज है, HDFC का ये हाइब्रिड इक्विटी है, 30 लाख रुपए बैलेंस एडवांटेज में, हाइब्रिड इक्विटी में 5 लाख रुपए हैं, मतलब निवेश राशि की बात हो रही है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3.5 लाख, एक्सिस ब्लू चिप में 1.38 लाख, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स इनके पास, इसमें 50,000 निवेशित हैं, और HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्होंने लगभग 1.9 लाख रुपए डाले हुए हैं, और HDFC बैलेंस एडवांटेज में डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन इन्होंने रखा हुआ है, और साथ ही हाइब्रिड इक्विटी में भी इनके पास डिविडेंड पे आउट का विकल्प है, इन्होंने ये डिटेल्स में दिया हुआ है। और अब क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ रविंद्र जी? हाँ मैं, जी सर, आपके आपके पोर्टफोलियो को हमने देखा, कुछ और सवाल आपको पूछना है? मैं यही कह रहा था कि मैं अभी चूंकि रिटायर्ड हो चुका हूँ और मेरा एज हो चुका है, तो क्या मैं उसमें से कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूँ क्या? मुझे ये बताइए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप रिस्क ले पाएंगे क्या? नहीं, बस ये अब ये है कि मैं कितने जीऊंगा मुझे नहीं मालूम। बहुत लंबा जिए हमारी तो यही प्रार्थना है, लेकिन चलिए, कितना मुनाफा आप इसमें से कमा पाएंगे, कितने सालों तक आप निवेशित रहना चाहते हैं, इसका कोई अंदाजा है? तो 5 साल तो कंटिन्यू रहूंगा ही। अर्णव जी, इन्होंने जो अपने प्रश्न में पूछा है वो ये है कि वो थोड़ी अमाउंट्स इसमें से निकालना चाहते हैं, तो अब प्रश्न ये होता है कि कौन से फंड से निकाला जाए। देखिए, जो दो
हाइब्रिड फंड्स है जिसमें एक HDFC बैलेंस एडवांटेज और HDFC हाइब्रिड इक्विटी, इसमें डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, यानी कि जो डिविडेंड हर साल उन्हें मिलता है, तो यानी कि एक कैश फ्लो जनरेट करता है। एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक्सिस का ब्लू चिप फंड, ये दोनों ग्रोथ ऑप्शंस है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन हो चुका है पोर्टफोलियो में। और जो बाकी के दो फंड है उसमें से जो S&P का 500 इंडेक्स फंड है और HDFC का फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर जो इनकी कॉस्ट प्राइस है उतनी उसी के आसपास NAV चल रही है आज की तारीख। तो मेरे हिसाब से अगर इनको पैसा निकालना है तो पहले तो इनको जो ELSS फंड है एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी वहां से निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इनका लॉक इन खत्म हो गया है तो ये यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हें ELSS फंड में रखने की कोई जरूरत नहीं और यहां पर एप्रिसिएशन भी है उनके पास। फिर उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप से निकाल सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी एज है और ये रिटायर्ड है, तो जो हाइब्रिड फंड्स है वो उनको अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखने चाहिए। मेरा सिर्फ यही है कि जो दोनों हाइब्रिड फंड्स है वो एक ही फंड हाउस के है, तो वो एक थोड़ा रिस्क बनाता है, लेकिन उनको अगर पैसा विड्रॉ करना है तो जो प्योर इक्विटी फंड्स है उसमें से ELSS फंड्स को लेकर उसे उनसे शुरू करना चाहिए। रविंद्र जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अर्णव जी को? चलिए, वो आपकी सलाह अभी तक टीवी पर ही सुन रहे हैं और मेरे पास समय बीता जा रहा है। रविंद्र जी, आप ये शो एक बार फिर से YouTube पर देख सकते हैं इनकेस आपको कोई सलाह समझ में नहीं आए हो। शो को आगे बढ़ाना होगा इस वक्त और सीधा मुझे रुख करना होगा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, बताएं गुरु मंत्र क्या होगा आपका? कविता, मेरी एडवाइस है आज उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस प्रोसेस में है कि वो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं, मेरी सलाह उनको ये है यहाँ पे कि जो प्री रिटायरमेंट पीरियड है, जैसे 8 या 10 साल पहले रिटायरमेंट से, वो बहुत ही क्रूशल है आपके इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जनरली स्पीकिंग ज्यादातर इन्वेस्टर्स की उस समय तक जितने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि 8 से 10 साल पहले रिटायरमेंट से अपने टेक ए स्टॉक ऑफ योर पोर्टफोलियो, कितनी कैपेसिटी है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह का आपका एसेट एलोकेशन है, क्योंकि इस समय जो आप स्टेप लेंगे सही डायरेक्शन में वो आपको मदद करेगा कि आप बहुत ही कंफर्टेबल अच्छी तरीके से अपने रिटायरमेंट लाइफ को जी सके। अर्णव जी, आप कोई भी निवेश कर रहे हो तो उसमें आप मल्टीपल गोल्स को भी शामिल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी निवेश करते हैं तो टैक्स के एंगल को जरूर देखते हैं, लेकिन अगर टैक्स एंगल के साथ, टैक्स की बचत के साथ अगर आपको कोई और गोल, यानी कि रिटायरमेंट गोल या कोई और गोल भी साथ में शामिल हो तो ये अच्छा रहता है। तो मल्टीपल गोल्स एक ही इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप अचीव कर पाए तो वो एक अच्छी बात है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ एक ही दिशा में मत देखिए। चलिए, निवेश के गुरु मंत्र के बाद आगे बढ़ते हैं। सुशांत पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि हेमंत जी से सवाल पूछना चाहेंगे। सुशांत, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? हम वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का कुछ बिहार नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताएं हमें, ये पोर्टफोलियो आपने कब से बनाया है? 2 साल लगभग हो गया मैडम। और 1 करोड़ ही आपको चाहिए 20 साल में, है ना? हाँ, 20 साल में हमको 1 करोड़ चाहिए। ऑलराइट, हेमंत जी, करोड़पति बनने का सुशांत का सपना क्या पूरा होगा इस पोर्टफोलियो से? जी, इससे तो शायद नहीं होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली इनके पास काफी समय है। इन्होंने कहा कि इनके पास 20 साल का समय है वहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब 10,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने होंगे 20 साल में करोड़पति बनने के लिए। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 की है, तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 से बढ़ानी होगी, और जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना ही लंबा समय अपने आप को दे पाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें, देखिए इनके पास 5,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए 6 फंड है। मुझे लगता है फिर से ये ऐसा केस है जहां पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में,
कहीं ना कहीं इनको पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। इनके पास तीन फंड हैं जहां पे कुल मिला के वो 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक SBI का मल्टी कैप फंड है, एक SBI का स्मॉल कैप फंड है और एक टाटा डिजिटल फंड है। मुझे लगता है ये तीनों में अगर आप अपनी SIP को बंद करें उसके बदले में एक मल्टी कैप फंड लें, निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड, वहां पे ये 2000 रुपए इन्वेस्ट करें। देखिए क्या होगा, मल्टी कैप फंड में 25% एलोकेशन तीनों एसेट तीनों सेगमेंट में जाना जरूरी है, तो इनको स्मॉल कैप में भी मिलेगा एक्सपोजर, मिड कैप में भी मिलेगा और एक कहीं बेहतर फंड मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये एक बदलाव करें और जैसा मैंने कहा जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। आगे बढ़ूंगी मैं, आरिफ हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आरिफ आपका सवाल मेरे पास है लेकिन मेरे पास समय की बहुत कमी है, अर्णव जी सीधा सलाह पर जाएं। जी मेरे हिसाब से अगर इनको अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो 20,000 पर मंथ का इनको निवेश करना चाहिए। तो जितनी भी रकम आज डाल रहे हैं उससे वो ये थोड़ी ज्यादा है तो उसको बढ़ाए। और इनका जो दूसरा प्रश्न ये था कि एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में स्कीम्स अच्छी है उसमें कंटिन्यू कीजिए, उन्हीं फंड्स में निवेश बढ़ाइए। और तीसरा उनका जो प्रश्न था वो ये था कि एक वो टैक्स सेवर फंड के बारे में सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कोटक टैक्स सेवर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं क्योंकि एक अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आरिफ कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अर्णव जी से? वैसे तो आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। कविता जी एक फंड के बारे में डाउट है, DSP मिड कैप, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अर्णव जी देखिए मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत होती है और स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो ये एक कंसिस्टेंट फंड रहा है। शॉर्ट टर्म में आपको कई और फंड दिखेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हर एक फंड की एक साइकिल होती है, तो मेरे हिसाब से ये फंड अच्छा है, आपको उसे समय देना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए ये अगर आप पोर्टफोलियो में जारी रखते हैं तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए आरिफ ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी के साथ हेमंत जी आपका, अर्णव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी आज शो पर इजाजत दे लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर जो कि हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और चाहे तो लिखित रूप में हमें अपना सवाल आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने सवाल की और वो वीडियो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।